Hello my YouTuber and friends, how are you all? As usually we are going today one new place और आज हम जहाँ जा रहे हैं आपको लेकर वो है D17 इस्लामाबाद। ये इस्लामाबाद की टेरिटोरियल में आता है और एक बहुत खूबसूरत हाउसिंग स्कीम है। यहाँ हमें पता चला था एक बहुत अच्छे होटल रेस्टोरेंट हैं और यहाँ काफ़ी सारे ब्रांड्स भी हैं, तो आज हम यहाँ विज़िट के लिए आए, आपको भी लाए। जब भी आपका इस्लामाबाद की तरफ आना हो तो आप D17 का विज़िट ज़रूर कीजिए। ये हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ टॉप रूफ पे लंच डिनर वगैरह होता है। ये देखिए ऊपर दो बिल्डिंग्स में एक ब्रिज के ज़रिए इनको मिलाया गया है और बड़ी खूबसूरत प्लेस है। हम ऊपर जाएंगे अभी और आप भी हमारे साथ चलिए। और हर फ्लोर पे डिफरेंट ब्रांड्स भी नज़र आ रहे हैं। ये अच्छी बात है कि यहाँ लिफ्ट भी थी, थोड़ा इजी हो गया आना। और ये देखिए बाहर कितना खूबसूरत व्यू है। ये हम टॉप पर हैं इस रूफ पे, बहुत खूबसूरत व्यू है बाहर का, लाइट्स चल रही हैं। और यहाँ बताया गया हमें कि यहाँ पर एक डैम भी है जो इस वक्त हमारे कैमरे में नहीं आ रहा, वरना हम आपको वो भी बताते। क्लाउड्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और यहीं से हम नीचे से रोड से आए थे और अब हम इस वक्त टॉप पर हैं। हाइट पर बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पर हवा भी बहुत मज़े की चल रही है, खूबसूरत हवा। और खूबसूरत कहेंगे क्योंकि इसको मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। अक्सर आप सी साइड पे जाएं तो इस तरह की हवा मिलती है और बहुत एंजॉय करता है इंसान, तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। यहाँ काफ़ी सारी फैमिलीज़ आई हुई हैं और यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट भी की गई है और यहाँ पर डिफरेंट फूड होते हैं। यहाँ ऊपर भी रेस्टोरेंट है, यहाँ पर भी जाएंगे। ये बहुत खूबसूरत लगता है जब आप नीचे से बैठ के देखें, तो एक तो आप इस वक्त इतनी टॉप पर हैं, इतनी हाइट पर हैं, और उसके अलावा ये स्टेयर्स हैं, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ भी रास्ता जाता है। हम आपको वहाँ का भी विज़िट करवाएंगे। अब देखें हम इधर ही थे और इवनिंग से रात का टाइम हो गया। ये देखें ऐसे लगता है कि सितारे ज़मीन पर हों। ये बहुत प्यारा मंजर है, मुझे तो पसंद है, आई होप आप सबको भी अच्छा लगता होगा। ऐसा खूबसूरत माहौल हो और आप यहाँ खड़े इंजॉय कर रहे हों तो किसको अच्छा नहीं लगेगा। आइए हम इस तरफ भी चलते हैं। हमने डिनर ऑर्डर कर लिया और हमने कहा थोड़ी देर में सर्विंग करें ताकि हम आपको यहाँ सब कुछ सारा बता सकें। इधर हमें बताया गया ये ब्रिज है, नीचे से हमने आपको ब्रिज बताई थी ना, कि उसी ब्रिज पर हैं इस वक्त हम लोग। और नीचे देखते हैं ये बहुत बहुत हाइट पे हैं इस वक्त हम, और साइड पे भी हम व्यू देख सकते हैं। और ये चाइना ने तो शीशे का ब्रिज बनाया, उस पर भी जाते हुए डर तो नहीं लगता होगा मुझे, आई थिंक। और यहाँ पर भी मैंने इसको एंजॉय किया। यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है।
इस तरफ भी यहाँ पर भी सब लोग आते हैं, फैमिलीज आती हैं और यहाँ पर भी बारबेक्यू हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे भी सिटिंग अरेंजमेंट है, यहाँ भी लोग लंच डिनर के लिए आते हैं और अगर कोई उनका प्रोग्राम वगैरह हो, कुछ लोगों की गैदरिंग हो तो यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी लोग हैं जो एंजॉय कर रहे हैं, दो टेबल्स पे हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपको हम ज़रा साइड से लेके जा रहे हैं। बस यहाँ पर इस फाउंटेन में इस वक्त बंद है, वरना ये भी आप इंजॉय करते। ये देखिए कितना अच्छा ये बनाया गया है, लाइटिंग से यहाँ के माहौल को डिफरेंट बनाया गया है। चलिए अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। ये देखिए अब हम यहाँ आए, यहाँ पर वेरी नाइस, यहाँ पर लाहौरी ढाबा। ये लाहौरी ढाबा हमारे कल्चर का एक हिस्सा है और अक्सर लोग जो हैं वो हाईवे पर जब जाते हैं तो ढाबे का खाना बहुत पसंद किया जाता है। स्पेशली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ढाबा पे ही अच्छी लगती हैं, तो यहाँ पर ढाबा टाइप रेस्टोरेंट भी इन्होंने बनाया हुआ। अब हम जाते हैं और भी ऊपर टॉप पे। यहाँ के बारे में हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, इनसे पूछते हैं कि यहाँ सब कुछ कैसा है और क्या है। अच्छा, ये जो आपका ये होटल रेस्टोरेंट है इसका नाम क्या है? कॉन्टिनेंटल एक्सप्रेस। अच्छा, हमारा यहाँ पे हमारे पास चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और डिफरेंट किस्म के फास्ट फूड। अच्छा, और लाहौरी ढाबा टाइप भी है ना, क्योंकि ढाबे का अक्सर लोग फूड पसंद करते हैं, वो भी है। ऑप्शन है आपके पास, फूड कोर्ट बना हुआ है। अच्छा, ये टॉप फ्लोर पे हमारा कॉन्टिनेंटल एक्सप्रेस है जो लाइव किचन के साथ। अच्छा, दैट्स गुड, वेरी गुड। अच्छा ठीक है, और ये डेली यहाँ पर लोग आते हैं, लंच भी होता है और हमारे यहाँ पे लंच और डिनर। अच्छा, मॉर्निंग सॉरी आफ्टरनून 12 बजे से रात के 12 बजे तक। अच्छा, हमारा जो है सर्कल वो चलता रहता है और फैमिलीज अक्सर वीकेंड पर आती हैं। ज़्यादातर फैमिलीज आके यहाँ जी, क्योंकि एंजॉयबल प्लेस है। बिल्कुल, यहाँ पे ब्रिज भी बना हुआ है जी। दूसरे साइड पर भी हमारी सिटिंग एरिया है। अच्छा जी, जो मॉल वन है, इसका नाम मॉल वन है। मॉल वन के ऊपर हमारा कॉन्टिनेंटल एक्सप्रेस लाइव किचन है। अच्छा जी, फोर्थ फ्लोर पे फूड कोर्ट है, यहाँ पे डिफरेंट ब्रांड है। अच्छा, लाहौरी ढाबा, शनवारी, मोल्टोस, नांट्री। अच्छा, इस तरह का आपको सही है। अच्छा, थैंक यू, आपने इतना अच्छा गाइड किया लोगों के लिए। तो यहाँ किचन में बहुत क्लीनलीनेस थी और हेल्थ की बहुत केयर की जा रही थी, बड़ी सफाई थी और नीटनेस थी, और फूड यहाँ पे बहुत नीट एंड क्लीन एंड हेल्दी था, और बहुत खूबसूरत व्यू है। यहाँ की सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, यहाँ के मैनेजर और स्टाफ
और सब कुछ बहुत अच्छा है। और किसी भी बिज़नेस को रन करने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आपके पास सब वर्कर्स जो हैं वो बहुत अच्छे हों। जब भी आप इस्लामाबाद D79 तो यहाँ का विज़िट ज़रूर कीजिए।